तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो आज का प्रसंग है, ये पांच आदतें न छोड़ने वालों का जीवन हो जाता है बर्बाद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, इस प्रसंग को हमें कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया अपना घोंसला बना करके रहती थी। दोस्तों, उस चिड़िया के दो बच्चे भी थे। एक दिन क्या होता है दोस्तों, तेज बारिश और ओले पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उस चिड़िया का घोंसला तहस नहस हो जाता है और उस चिड़िया के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही परेशान होने लगती है। उधर से दोस्तों, एक राजा घोड़े पर सवार होके आ रहा था और वो क्या देखता है कि चिड़िया के बच्चे नीचे पड़े हुए हैं, बारिश हो रही है और वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही परेशान हो रही है। दोस्तों, उस राजा को उस चिड़िया पर दया आ जाती है और वो राजा उस चिड़िया को और चिड़िया के बच्चों को उठा करके अपने राजमहल में ले आता है और अपने मंत्री को बुला करके समझा देता है कि इस चिड़िया को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से इसके खाने पीने का बंदोबस्त करो। अब दोस्तों, जब शाम होती है तो वो चिड़िया उड़ करके राजा के पास आती है और राजा का आभार प्रकट करती है और कहती है, हे राजन, यदि आज आप नहीं होते तो मैं और मेरे बच्चे मर गए होते। आपने मेरे और मेरे बच्चों की जान बचाई है, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। और हे राजन, मैं समझ पा रही हूँ कि आप किसी चिंता से ग्रस्त हैं, यदि आप अपनी समस्या मुझे बताएं तो हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों, चिड़िया की बात सुनकर के वो राजा कहने लगा, हे चिड़िया, तुम ठीक ही कह रही हो, वास्तव में मेरे दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन है। मैं किसी भी कार्य को करता हूँ लेकिन उस कार्य में मुझे सफलता की जगह असफलता ही हाथ लगती है, मैं ये सोच सोच करके बहुत ही परेशान हो रहा हूँ। दोस्तों, चिड़िया कहने लगी, हे राजन, आज मैं आपको ज्ञान की वो पांच बातें बताऊंगी जिनको यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी। आप जो भी कार्य करेंगे हमेशा आपको उस कार्य में सफलता ही मिलेगी। दोस्तों, चिड़िया कहने लगी, हे राजन, नंबर एक क्रोध। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध व्यक्ति से उसके सोचने समझने की क्षमता को भी छीन लेता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार गलत फैसले लेता है और उसके पास जो वस्तु आने के लिए होती है वो भी उसके हाथों से चली जाती है। इसलिए राजन, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, आप अपने क्रोध को कृपया करके कम करें। दोस्तों, चिड़िया कहने लगी, हे राजन, नंबर दो ईर्ष्या। ईर्ष्या व्यक्ति के मूल्यवान समय को नष्ट कर देती है। वो व्यक्ति अपने चीज़ों पर मेहनत करने की बजाय दूसरे को नीचा गिराने के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसे में व्यक्ति खुद के टैलेंट को नष्ट कर लेता है और काबिल होते हुए भी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाता, उसे हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। दोस्तों, अब चिड़िया कहने लगी, हे राजन, अब नंबर तीन सुनो। नंबर तीन है आलस। आप चाहे कितने ही टैलेंटेड हों लेकिन अगर आप आलस करके अपने समय को गंवा देते हैं तो जीवन में कभी भी सफलता आपके हाथ नहीं लगती। इसलिए आगे बढ़ना है तो आलस को त्याग दें और हर काम को फुर्ती के साथ करें, मेहनत के साथ करें, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। अब दोस्तों, चिड़िया कहने लगी, हे राजन, नंबर चार है संशय। जो भी फैसला आप लें तो उसके परिणामों के बारे में अच्छे से सोच लें और एक बार फैसला लेने के बाद फिर संशय न करें। अपने फैसले पर भरोसा रखें और पूरी मेहनत के साथ प्रयास करें। संशय आपके फैसले को कमज़ोर बनाने का काम करता है और इससे आपकी सफलता दूर हो जाती है। इसलिए संदेह की आदत को छोड़ दो, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, वो चिड़िया कहने लगी, हे राजन, नंबर पाँच है चिंता। चिंता को चिता के समान माना गया है, जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने की आदत को आप त्याग दीजिए,
यदि कुछ करना है तो चिंतन कीजिए, चिंतन करने से आपकी समस्या का हल भी निकलेगा और आपको सफलता भी निश्चित मिलेगी। अब दोस्तों चिड़िया कहने लगी, हे राजन, यदि आपने ये 5 ज्ञान की बातें अपने जीवन में उतार ली तो आपको फिर सफल होने से कभी कोई रोक नहीं सकता। आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको असफलता की जगह फिर सफलता ही मिलेगी। तो मेरा सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि यदि चिड़िया की ये 5 ज्ञान की बातें आपको पसंद आई हो तो आप अपने जीवन में इनको अवश्य उतारें, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।